गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल टिप टॉप मदर। गाइस हम गर्ल्स को अगर कोई छोटे से प्रॉब्लम होती है उसको बहुत ही बड़े पार्ट में ले लेते हैं। जैसे कि आप मेरे यहाँ पे 2000 पिंपल देख सकते हैं, इसके लेके मैं इतनी ज्यादा पॉजिटिव हो जाती हूँ कि मैं सोचती हूँ क्या चीज ट्राई करूँ और क्या नहीं करूँ। पर अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, जैसा कि मुझे परेशान होने की जरूरत जो थी वो मैंने खत्म कर दी। कैसे वो आपको बताऊंगी मैं इस वीडियो में। तो गाइस आज हम बात करेंगे इन दो एसेंशियल ऑयल की। ये दोनों ही आपकी लाइफ में और आपकी स्किन के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद हो सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले मेक श्योर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, और अगर वीडियो थोड़ी सी भी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस सबसे पहले मैं यहाँ पे आपसे बात करने वाली हूँ गुड वाइफ का टी ट्री ऑयल। गाइस टी ट्री ऑयल आप खुद ही समझ गए होंगे कि टी ट्री ऑयल कितना ज्यादा हमारे लिए यूजफुल होता है, और शायद आप में से बहुत सारे लोगों जो इसको यूज कर रहे होंगे इसके फायदे को जानते ही होंगे, और जो लोगों को इनके फायदे नहीं पता है उनके लिए तो मैं हूँ ही। तो आइए इसकी फटाफट से आपको पैकेजिंग दिखा देती हूँ। वैसे स्टार्टिंग कार्डबोर्ड है और अंदर से कुछ इस टाइप की ब्लू और ग्लास बॉटल में था। सबसे अच्छी बात मैं आपको इसकी बता देती हूँ कि ये ट्रैवल फ्रेंडली तो बहुत ज्यादा है, बट क्योंकि ग्लास बॉटल है तो इसलिए आपको आसानी से इसको कैरी करना होगा। तो आप कुछ देख सकते हैं कुछ ऐसा है, और अगर आपका ये पैकेजिंग खो गई है तो आपको परेशान की जरूरत नहीं है, क्योंकि पीछे इस पे पूरी बॉटल पे सब कुछ लिखा है कि आपने कैसे यूज करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, यही सारी चीजें। अब मैं फटाफट से आपको बता देती हूँ कि इसमें क्या क्या है और आपने कैसे करना है। गाइस सबसे पहले क्या करता है कि ये आपकी स्किन क्लियर करता है, प्यूरीफाई करता है। और जैसा कि आप मेरे एक दो एक्ने देख रहे हैं, ये कल रात में या कल सुबह काफी ज्यादा थे, और मैंने सिर्फ उसको नाइट में 1 or 2 ड्रॉप्स लगाई हैं तो काफी हद तक कम हो गई। तो इसीलिए मुझे इतना अच्छा और इतनी जल्दी इफेक्ट मिला, इतना जल्दी तो मुझे दो लोग बोलते कोलगेट लगा लो, इनो लगा लो, ऐसा कुछ उनसे भी नहीं मिलता, तो उनसे भी इसने फास्ट दिखाया। इसलिए आज मैं रह नहीं पाई, मैंने सोचा यार इतनी जल्दी मुझे इफेक्ट पड़ा तो बहुत से लोग मेरे व्यूअर्स भी होंगे जो इन चीज से परेशान। तो गाइस मैं आपके लिए सिर्फ वही चीजें लेके आती हूँ जिनका एक्सपीरियंस मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद होता है। तो इसीलिए मैंने सुबह होते ही मैंने फटाक से अपना काम निपटा के मैंने सोचा सबसे पहले आपके लिए वीडियो बनाती हूँ। तो इस वीडियो को अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम भी आ रही है, वैसे तो मुझे पता है कि लेमन में ये चीज़ होती है, बट अगर आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम आ रही है तो इन्होंने किया है इसमें क्लेम कि ये आपको डैंड्रफ को भी काफ़ी हद तक कम करने का काम करते हैं। तो आपको करना क्या है आपने, क्योंकि गाइस एक बात और ये शायद आपके लिए आप इसको एज अ वार्निंग ले सकते हैं कि आपने कोई भी एसेंशियल ऑयल जो है वो मॉर्निंग में नहीं लगाना है, क्योंकि अगर वो सन के साथ डायरेक्ट आता है तो आपकी स्किन पे हार्म पहुंचा सकता है, जो भी आपका मतलब अनकवर एरिया है। तो गाइस इसका बेटर यूज़ क्या है कि आप रात में सोने से पहले यूज करें। तो मैं इसको रात में सोने से पहले ही यूज़ करती हूँ। मैं नॉर्मल इसके 3 to 4 ड्रॉप्स लेती हूँ जहाँ पे मेरे पिंपल्स आ रहे हैं, और नॉर्मली मैं उसी टाइम इसको यूज़ करती हूँ जहाँ जब मेरे पिंपल होते हैं, अदरवाइज इसकी मुझे इतनी ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। तो मैंने इसको कल रात में लगाया था और ये पिंपल मेरा काफ़ी बड़ा था, जो कि अब बहुत काफ़ी हद तक कम हो गया आप देख सकते हैं, और यहाँ पे भी हल्के हल्के से थे जो थोड़े बड़े थे पर अब काफ़ी लाइट हो गए हैं। तो इसको आपने रात में लगाना है, या फिर आप किसी कैरियर ऑयल के साथ या फिर फेशियल ऑयल के साथ, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप और सिर्फ नारियल तेल के साथ इसमें मिला के इसको अप्लाई कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा रिजल्ट देगा आपको। अगर आपको डैंड्रफ की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है और अगर आपने हेयर वॉश करने जाना है, तो आपने नॉर्मली जो भी तेल आपको पसंद है, नारियल के तेल बालों के सबसे अच्छा होता है, बट आपको जो पसंद है आप उस तेल में इसकी 3 to 4 ड्रॉप्स ऐड करें और अपने बालों में मसाज करें, देन अपने आप अपने बाल को वॉश कर लें, और आप देखेंगे कुछ ही टाइम में आपको अपने डैंड्रफ से भी तो निजात मिलेगी, और जो आपके जो हेयर प्रॉब्लम और भी अदर हेयर प्रॉब्लम होगी वो भी काफ़ी हद तक कम होगी। तो गाइज ये तो हमने बात कर ली टी ऑयल की, और इसके बेनिफिट्स और बहुत ज़्यादा, इसलिए अगर आप चाहते इसको लेना तो purple.com पे हमेशा डिस्काउंट चलता रहता है, तो इसलिए इसको लेना ज़रूर ना भूलें। तो अब हम बात करेंगे लेमन एसेंशियल ऑयल की। इसके भी बेनिफिट्स जैसा कि आपको पता है बहुत ज़्यादा है, और ये विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स है। विटामिन सी इसमें बहुत ज़्यादा भरपूर मात्रा में आपको मिलता है। तो ये कुछ इस तरीके की बॉटल में आता है, सेम वही चीज़ है, ब्लू बॉटल है, कन्फ्यूज मत होइएगा क्योंकि इसमें लेमन बने हुए हैं और उस पर टीकी का, तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का है। और इसमें क्या है, ये आपको क्या करेगा, अगर आपकी प्री मेच्योर एजिंग हो रही है, कुछ टाइम हम देखते हैं कि हमारी स्किन मतलब हमारी स्किन तो ठीक है, हमारी एज ठीक है, बट पॉल्यूशन की वजह से प्री मेच्योर एजिंग आ जाती है बहुत सारे लोगों में, जिसकी वजह से परेशान रहते हैं। ये चीज़ें मुझसे कई लोगों ने पूछी भी है कि यार हम अपनी स्किन पर इतनी सारी चीज़ें अप्लाई करते हैं बट जो हमें एजिंग क्यों आ रही है, मेरा स्किन जो मेरी उम्र है वो एग्जैक्टली जो मेरी एज है उससे ज़्यादा लगती है। तो गाइस आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ये काफ़ी अच्छा है। और अगर आपकी स्किन ड्राई हो रही है या फिर पैची हो रही है तो भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बट गाइस एसेंशियल ऑयल आपने किसी और ऑयल में या फिर फेशियल ऑयल या फिर नारियल का तेल या फिर किसी क्रीम फाउंडेशन ऐस में ही मिक्स करके लगाना है,
एसेंशियल ऑयल सिर्फ आपने खाली यूज नहीं करना। और गाइस बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें ऑयली स्किन की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, वो क्या क्या चीजें यूज करते हैं, वो क्रीम चूज करते हैं कि कैसी हो। तो गाइस आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, आपने कोई भी क्रीम यूज करनी है उसमें थोड़ा सा इसको मिला लेना तो आपकी जो स्किन पे एक्सेस ऑयल आता है उसको ये हटा देता है और आपकी स्किन को एक ग्लोई लुक देता है। क्योंकि आपको पता है जो नींबू होता है, लेमन होता है, कि उसको हम यूज करते हैं अपनी स्किन को व्हाइट करने में या फिर अपनी स्किन को वन टोन लाइट करने में। तो अगर आप इसको डेली यूज करते हैं तो आपकी स्किन जो है वन टोन लाइट भी होने वाली। और गाइज अगर आप में बहुत ज्यादा गर्मी, क्योंकि गर्मी का मौसम चल रहा है, पसीने की स्मेल तो हमें आती रहती है, तो हम इससे बहुत ज्यादा एम्बेरस भी होते हैं और परेशान भी रहते हैं। तो आपने क्या करना, नहाने के पानी में 3-4 ड्रॉप डालनी है और उस पानी से आपको नहाना है। तो आपकी बॉडी में जो होगी नेचुरल स्मेल आएगी इस लेमन एसेंशियल ऑयल की, आपको कुछ अलग से मतलब आर्टिफिशियल परफ्यूम या कुछ यूज नहीं करना पड़ेगा। तो गाइज आपने देख लिया लेमन के बहुत सारे यूज है, तो अगर आप चाहते हैं इसको लेना तो ये भी purple.com पे आपको बहुत इजीली मिल सकता है, डिस्काउंट चलते रहते हैं। तो गाइज ये थी मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी हो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये चीजें अच्छी लगी हो या फिर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और यूजफुल और अमेजिंग वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।